मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में बने 6 मंत्रियों के स्वागत के लिए विगत दिनों पहले कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन कुछ कारणवश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसके चलते कार्यक्रम को अब रविवार के दिन रखने का निर्णय लिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश महामंत्री एवं विधायक भगवान दास सबनानी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्हें कहा कि मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। लगभग 1000 से ऊपर कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ जनों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। पहली बार हमने पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों को, हमारे 1099 मंडल है, सभी मंडल अध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया है। इस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश की कोर समिति तो अपेक्षित है, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय मोदी जी की सरकार में 6 मंत्री बने हैं, उन सभी 6 मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय एन मुरुगन जी, माननीय डी डी उइके जी और बहन सावित्री ठाकुर जी सहित सभी सम्मानीय सांसदों का यहाँ सम्मान किया जाएगा। सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ आमंत्रित हैं, सभी सम्मानीय विधायक इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। प्रदेश की पूरी कार्य समिति, सभी हमारे जो महापौर हैं, मध्य प्रदेश में 13 महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, 16 में से 13 के 13 महापौर रहने वाले हैं। सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे संगठन के 60 जिले हैं, सभी जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिलों के महामंत्री, मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के संयोजक, विभाग के संयोजक, जिला पंचायत के हमारे सामान्य अध्यक्ष, समस्त मंडल अध्यक्ष, जैसा मैंने पूर्व बताया, मीडिया के प्रभारी सह प्रभारी और आईटी सेल के भी हमारे प्रभारी सह प्रभारी इस बैठक में रहने वाले हैं। इसमें जो हम सभी इस दिन एक ऐतिहासिक जीत केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है, तो उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने जो काम कर रही है इसको समाहित करते हुए एक राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्य समिति में आने वाला है। हम लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमने काम किया, हमारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमको यहाँ काम करने की सूचना थी उसके आधार पर जो काम किया, तो एक विश्लेषण की प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से मंडल अध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी तथा प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री तथा कार्यालय प्रभारी समेत तमाम दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में केंद्र में बने 6 मंत्रियों का स्वागत किया जाएगा तथा प्रदेश स्तरीय बैठक में बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी और विधानसभा के चुनाव में जो हमारे प्रभारी रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय जी, ये इस बैठक में हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। अर्थात आगामी कार्यक्रमों को एक तरफ हम जनता का धन्यवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे जिनके परिश्रम से मंडल हमारी महत्वपूर्ण इकाई है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। ऐसे सभी मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति में कार्य समिति की ये बैठक संपन्न होगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा, दो प्रस्ताव हम पारित करने वाले। आज आप सभी मित्रों के बीच में ये जानकारी अनिवार्य थी, इसलिए आपके बीच में ये विषय। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में बने 6 मंत्रियों के स्वागत के लिए विगत दिनों पहले कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन कुछ कारणवश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसके चलते कार्यक्रम को अब रविवार के दिन रखने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।